नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईपीएफओ द्वारा किए गए दो नए अपडेट और बहुत ही बेहतरीन अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो अपडेट है वो डिसेबल्ड अकाउंट को लेकर और साथ ही जो भी पीएफ धारक अपना यूएन एक्टिवेट करते हैं और यूएन एक्टिवेट करते वक्त उनको नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ की मिसमैच की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को लेकर अपडेट ईपीएफओ ने किया था कि आपका जो पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड हो रखा है और साथ ही आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अपडेट के माध्यम से आपको पता चलने वाला है किस तरीके से आप इन दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको लाइव प्रूफ दिखाकर सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करें हम डायरेक्टली उन बेनिफिट, उन जो अपडेट किए गए उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको बता दो, अगर आप इस चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पीएफ के रिगार्डिंग नए अपडेट, जानकारी और आपको सोल्यूशन मिलते रहते हैं ताकि आप अपने पीएफ का काम खुद से कर पाओ और साथ ही बिना किसी सहायता के सारे सोल्यूशन खुद से कर पाओ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यूएन डिसेबल्ड का अपडेट जो किया गया था। दोस्तों यूएन डिसेबल्ड जिन भी पीएफ धारकों का कराया गया है, मैं आपको बता दूं अभी पीछे कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन किया गया था जो कि पीएफ कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। उसमें बताया गया था कि अब हमारे यूएन नंबर, जो हमारा यूएन नंबर ब्लॉक हो रखा है उसको इनेबल कराने के लिए जो ईपीएफ का ग्रेवेंस रजिस्टर पोर्टल है उस पर अपना ईपीएफ ग्रेवेंस रजिस्टर करें। उसमें रजिस्टर करने के लिए एक नया ऑप्शन ऐड करा गया है जो ऑप्शन यूएन ब्लॉक को लेकर है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपका यूएन डिसेबल्ड हो रखा है तो आप ग्रेवेंस रजिस्टर करिए। उस सेशन में बताया गया था, जो लाइव सेशन हुआ था जिसमें ईपीएफ कर्मचारी खुद से बता रहे थे कि आप अब जो अगर आपका यूएन डिसेबल्ड हो रखा है तो अपनी जो ग्रेवेंस है वो रजिस्टर करिए हमारे पोर्टल पर। यूएन ब्लॉक को, जो यूएन ब्लॉक का हम ऑप्शन ऐड कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके साथ ही अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए और उसका स्क्रीन शॉट लगाइए जो आपका यूएन डिसेबल्ड हो रखा है उस पर। ईपीएफ कर्मचारी, ईपीएफ ऑफिस उस पर काम करेगा और जैसे ही हम उसकी तहकीकात करेंगे हमें लगेगा अकाउंट जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अकाउंट को दोबारा से अनेबल कर देंगे। इसका समय 10 से 15 दिन या 30 दिन तक लगभग लग सकते हैं उसको अनेबल करने के लिए, तो ये बताया था ईपीएफ ऑफिसर ने। अभी दोस्तों जो लाइव सेशन हुआ था उस चीज़ की बात बता रहा हूँ। तो उसमें जो अपडेट है, अपडेट ये है कि यूएन ब्लॉक का जो एक ऑप्शन है ईपीएफ ग्रेवेंस रजिस्टर पोर्टल पर, दोस्तों उसमें वो अपडेट किया है कि यूएन ब्लॉक का एक ऑप्शन है वो ऐड किया है और वो बहुत अच्छा भी है कि आप डायरेक्टली यूएन ब्लॉक है उस चीज़ को सेलेक्ट करके अपना डिस्क्रिप्शन लिख के आप एक रजिस्टर, एक शिकायत ग्रेवेंस रजिस्टर कर सकते हैं ताकि ईपीएफ ऑफिस को पता चले कि हमारा यूएन इस तरीके से डिसेबल्ड है। तो ईपीएफ कर्मचारी खुद इस बात को कह रहे थे कि अपना जो अगर आपका यूएन डिसेबल्ड हो रखा है तो अपना ग्रेवेंस रजिस्टर करें हमारे पोर्टल पर। ग्रेवेंस रजिस्टर करने के लिए हमने नया ऑप्शन ऐड कर दिया जो यूएन ब्लॉक का है। तो अपडेट ये था कि अगर आपका यूएन डिसेबल्ड हो रखा है और उसका आप सोल्यूशन कराना चाहते हैं तो आप ये ग्रेवेंस रजिस्टर कर दें, क्योंकि आपका ग्रेवेंस रजिस्टर करे बिना ईपीएफ कर्मचारी इस पर एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि दोस्तों उन्होंने ये भी बताया था कि जिस भी रीजनल पीएफ ऑफिस में जिन जिन पीएफ अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट है और जिस भी पीएफ ऑफिस में जिनका अकाउंट डिसेबल्ड हो रखा है, हर पीएफ ऑफिस को एक लिस्ट भेज दी गई है जिसमें टोटली डिसेबल्ड अकाउंट की लिस्ट है। हर पीएफ ऑफिस उस लिस्ट पे काम करेगा, हर पीएफ अकाउंट होल्डर का, हर मेंबर का अकाउंट एक एक करके चेक करा जाएगा जिनका डिसेबल्ड है और फिर इनेबल करा जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं उस केस में बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी करवाना है तो आप अपने यूएन नंबर को, अपने ग्रेवेंस को जरूर रजिस्टर करें ईपीएफ का जो ग्रेवेंस पोर्टल है उस पर। दोस्तों पोर्टल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर किस तरीके से करनी है उसकी भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट है जो भी पीएफ धारक अपना यूएन एक्टिवेट करते हैं और उनको एक्टिवेट करते वक्त उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ की मिसमैच की प्रॉब्लम आती है तो अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, करेक्शन कराना होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आप करेक्शन कराने के लिए आप पीएफ ऑफिस जाते हो, आप डॉक्यूमेंट, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह ये सब भरने के बाद बहुत सारी झंझट पड़ती थी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके ईपीएफओ ने जो मेंबर, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, हमारी कंपनी होती है, एम्प्लॉयर के पोर्टल पे एक नया ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस ऑप्शन के द्वारा आपका एम्प्लॉयर अपने आप से ही आपकी सारी डिटेल ठीक कर सकता है। तो दोस्तों अपडेट ये है कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए पीएफ ऑफिस छोड़कर अपने एम्प्लॉयर के पास जाएं, क्योंकि पीएफ ऑफिस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जब ईपीएफओ ने अपडेट कर दिया है, आपको ये सुविधा दे दी है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बोले जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हो वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है। यानी आपकी जो भी करेक्शन है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग का एक ऑप्शन ऐड करा है, वो वहाँ से ऑनलाइन ही अपनी रिक्वेस्ट लगा सकता है और आपके जो डेट ऑफ बर्थ, जो भी नाम आपका मिसमैच हो रहा है वो उसको अपने आप से ठीक कर सकता है। अभी इसमें क्या रहेगा, अगर आपको कंपनी कोई डॉक्यूमेंट
मांगती है तो दे देना। हालांकि अब मतलब ऑलरेडी ही कंपनी के पास हमारी सारी डिटेल होती है तो मांगेगी भी नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, आपका एम्प्लॉयर अपने आप से ही वह रिक्वेस्ट आपकी रजिस्टर करेगा और ऑटोमेटिक वह जो रिक्वेस्ट रजिस्टर करते ही आपके फील्ड ऑफिस चली जाएगी। फील्ड ऑफिस जाने के बाद उसको EPFO अच्छे तरीके से चेकआउट करेगा, अगर उसको लगेगा जेन्युइन है सब कुछ ठीक है तो फिर EPFO उसको अप्रूव कर देगा और उसके बाद आपकी सारी डिटेल आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना UN नंबर एक्टिवेट करा सकते हो और उसके बाद अपना पासवर्ड बनाओ, अपनी KYC करो, अपना PF विड्रॉल करो, अपना PF चेक करो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये EPFO के दो अपडेट थे, दोनों ही अपडेट बहुत बेहतरीन हैं UN एक्टिवेट को सॉल्यूशन को लेकर और साथ ही आपकी नाम डेट ऑफ बर्थ मिसमैच को लेकर जिन भी PF धारकों का UN एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों दोनों ही अपडेट इतने बेहतरीन है ना कि EPF कर्मचारी चीज से ज़्यादातर परेशान रहते हैं और PF ऑफिस के बहुत ज़्यादा चक्कर काटते हैं। तो दोस्तों ये दोनों अपडेट आपको कैसे लगे EPFO के कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे द्वारा जो दी गई है ना आपको जानकारी, वो जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी आपको वैल्यूबल लगी हो और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दे जिन भी PF धारकों के साथ प्रॉब्लम होती है, जो भी PF अकाउंट होल्डर्स आपके रिलेशन में है, ताकि उनको नॉलेज मिल पाए, उनको जानकारी मिल पाए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करके कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपको आने वाले समय में EPFO के रिगार्डिंग और भी अच्छे अपडेट और भी अच्छी जानकारी और सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, आप सबको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय, जय हिंद।